नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बहू ने चाचा ससुर पर लगाया गंभीर आरोप, थाने में बताई आप बीती। अंबिकापुर पड़ोस के गोवर्धन पंडो ने 3 महिलाओं से शादी की, लेकिन किसी से भी उसका बच्चा नहीं हुआ। इसमें से उसकी एक पत्नी की पिछले साल मौत हो गई। इसके बाद से वो मुझे कहता है कि तुम टोनही हो और इसी कारण मेरे बच्चे नहीं हुए, और एक पत्नी को जादू टोना कर मार डाली। ये सुनकर मुझे जीने का मन नहीं करता है। जब देखो तब टोन ही कहते हैं। मैं काफी परेशान हूँ, घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरे चाचा ससुर भी मुझे टोन ही क्यों समझते हैं, जबकि मैं भी दूसरी महिलाओं की तरह ही हूँ। ये दर्द सूरजपुर जिले के रामानुजनगर क्षेत्र की एक महिला का है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 लोगों पर टोन ही प्रताड़ना का केस दर्ज किया है। पुलिस उप निरीक्षक मनी प्रसाद राजवाड़े ने बताया कि सूर्यबाई बदला नाम 40 वर्ष ने केस दर्ज कराया है कि उसके चाचा ससुर धनसाई और गोवर्धन पंडो शराब पीकर घर के पास आकर गाली गलौज कर टोन ही बोलकर उसको प्रताड़ित करते हैं। इस पर धारा 294, 506 भादवी व छत्तीसगढ़ टोन ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4-5 के तहत केस दर्ज कर जाँच की जा रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि 25 अप्रैल को करीब शाम 6 बजे महिला का चाचा ससुर धनसाई शराब पीकर घर के पास आकर महिला को कहने लगा कि तुम टोन ही हो, गोवर्धन के बाल बच्चा खाए हो। वो गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए विवाद किया।